जॉइन फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। Nobody just came like that. For example, Nawazuddin, he just did one scene, you know, in a film. He proved his worth. He's a fab actor. छोटा भी रोल प्ले करो, उसमें ऐसे चाह जाओ कि आगे आपको जो भी कास्ट करे बोले कि नहीं, this guy is worth the lead. Hi, I am Janet, Ellis Prajapati. I'm a casting director. I've been in this industry for the last 30 years. And I have done a couple of films. I've done serials, web series. To name a few, He Story for Ding Entertainment, Web Love, and Swaraj for Contilo, Ganesha, Hanuman, and Adalat. I'm doing a lot of films as of now. Certain names which I can't reveal as of, you'll know very soon. I've done a lot of ad films like Nerolac, Ozone Kitchen, and Aptic, Annapurna, and many more. Visual medium mein, chahe aap short film mein kaam karein, web series mein kaam karein, film mein kaam karein, TV serial mein kaam karein, aisa koi project ho hi nahi sakta jisme ki casting na ho. Bhali ek single character hoga, lekin wo hoga zarur aur uski casting bhi zarur hogi. Ye sab kaise hota hai, kis tarah se kiya jata hai, batane ke liye mere saath hain Zanet Ellis Prajapati. Welcome to Join Films. Thank you, Virendra ji. Join Film itself is a very renowned name from so many years. And I would be very glad to be on the forum of Join Films. जब कास्टिंग की आज हम बात करते हैं तो आज ना जो बिल्कुल सिनेरियो है बिल्कुल चेंज हो चुका है. एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिल चुका है इस प्रोफाइल को. लेकिन जैनेट तब से जुड़े हुए हैं जब से कि इस नाम को इस तरह की वैल्यू शायद नहीं मिली हुई थी, उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिली हुई थी. लेकिन तब आपको इसमें ऐसा पोटेंशियल क्या दिखा कि आपने पूरी तरह से फुल टाइम इसको बनाया? ओके, आप सही थे क्योंकि तब हम लोग को कोऑर्डिनेटर्स के नाम से जाना जाता था. कि जब मैंने फिल्म किया था, इंद्र कुमार जी का मन किया था कि हो गया ना प्यार किया था, और एड्स काफ़ी एड्स कर चुकी थी, तो मेरे साथ काफ़ी अच्छे अच्छे भी एक्चुअली वी वे कास्टिंग पीपल हु हैव इन्वॉल्व्ड इन टोटली कास्टिंग, पर हम लोग को कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स के नाम से जाना जाता था. एंड देन केम अ टाइम व्हेन कास्टिंग वाज लिटरली रिकॉग्नाइज्ड एंड वी वेर कॉल्ड एज कास्टिंग डायरेक्टर्स, बिकॉज कास्टिंग आज भी वी हैव कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स एंड वी हैव कास्टिंग डायरेक्टर्स. फर्क कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स में होता है कि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स ओनली गिव यू द ऑप्शंस, पर एक कास्टिंग डायरेक्टर गेट्स an option and tries to see that the requirements are completely fulfilled as per the requirement of the production house. And hum log ek ek actor ko karwate hain. I mean, you know, hum direct karwate ki kaisa ek actor ko wo cheez ke liye hum unko you know, we work on the get-ups, we work on the, you know, the linguistics, the language, the you know, everything in part to decide how an actor fits the role. तो वो फर्क है एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और कास्टिंग डायरेक्टर में. पर हाँ, फर्क आज हमें काफी रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है जो पहला नहीं था. एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी आता है बीच बीच में कि यार ये कास्टिंग डिपार्टमेंट कहाँ से एक नया आ गया एग्जिस्टेंस में. पहले तो डायरेक्शन डिपार्टमेंट ही करता था, लेकिन जो मैंने महसूस किया है वो ये कि जब डायरेक्शन डिपार्टमेंट काम करता था वो गिने चुने चेहरे ही पुलिस वाले बनते थे, वकील बनते थे, वही सब रिपीट होते थे, है ना. लेकिन जब से कास्टिंग आया तब से नए फेसेस आए, उनका एक्सेप्टेंस आया, उनको रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, और फिर परफेक्ट करेक्टर की कास्टिंग होने लगी. इसको आपने जो एक लेयर पीछे ले गए और डिटेलिंग में ले गए, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. अच्छा, नाउ मैं वो टाइम की हूँ जब डायरेक्टर्स ही कास्ट करते थे पहले, तो इट इज टू बी दी असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स. तो वहाँ पे ऑब्वियसली कि ए पहचानी, मैंने इसके साथ काम किया, मैंने फलाने से काम किया, तो वही चलता था. व्हेन कास्टिंग डायरेक्टर्स केम इन पिक्चर, तो हम लोग के साथ हमारा मेन आइडिया क्या है, व्हाट इज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर्स ड्यूटी, टू एक्यूमुलेट द टैलेंट्स हर जगह से, जैसे जयपुर पे हो, दिल्ली से हो, साउथ से हो, नासिक से हो, पुणे से हो, आई मीन इररेलीवेंट. द आइडिया इज़ टू एक्यूमुलेट योर टैलेंट जो हम सक्सेसफुल रहे, और हर अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए हम लोग ऑप्शंस दे पाए. एंड इफ़ यू सी सर्टन ऑफ माई शोज, यू विल सी ऑल न्यू फेसेस, ऑल हु आर एक्सेलेंट एक्टर्स फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड एंड फ्रॉम एनर्जी बैकग्राउंड एंड इवन नॉर्मल एक्टर्स, वो यू नो, वो जो कीड़ा होता है, दे डैम गुड एक्टर्स, बॉर्न एक्टर्स बोलते हैं,
सो बेसिकली उनको हम लोग निकाल पाए फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड पुट देम ऑन द स्क्रीन टुगेदर. सो आई थिंक या इट्स अ मेजर डिफरेंट थिंग. जो सच बात आपने बोला कि कास्टिंग डायरेक्टर्स हैव अ बेटर रेंज ऑफ एक्टर्स. राइट. तो पहले जब तक कोऑर्डिनेशन तक बात सीमित थी, जब तक ये था कि भाई आप ऑप्शन दे दो यार, बाकी हम देख लेंगे. लेकिन अब तो सजेशन मांगे जाते हैं उनसे. मांगा जाता है कि भाई आप बताइए कि कैसे बेटर रहेगा. तो ये जो एक भरोसा जागा है कास्टिंग डिपार्टमेंट पे, इसको कैसे देखते हैं? दैट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, बिकॉज आजकल क्रिएटिव्स और डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर्स बिलीव दैट इफ अ कास्टिंग डायरेक्टर इज वर्थ इट, दे हैव द पोटेंशियल ऑफ डिसाइडिंग और टेलिंग कि ओके हाँ इस ए एक्टर लेकर जा पाएगा वो रोल पे. क्योंकि हम एक्टर्स के साथ वी लिटरली आर इन टच, वी इंटरैक्ट. और एक ऑडिशन से वो समझ में नहीं आता है. सो वो इंटरेक्शन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है. एंड वी आर बीइंग क्वेश्चन कि ओके डू यू थिंक दिस एक्टर कैन कैरी इट फॉरवर्ड, वेदर दिस एक्टर कैन पुल दिस रोल. तो एक क्वेश्चन हम लोग के ऊपर काफ़ी हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड देन वी पुश दिस यू नो डू रिकमेंड एन एक्टर इफ वी फील दैट दैट एक्टर विल नॉट बी यू नो बैड सॉरी वी रिकमेंड एन एक्टर ओनली इफ वी फील दैट यू नो दैट एक्टर इज गोना बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ओके. कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर पे आपने दांव खेला कि नहीं देखो इसको ले लो ये बहुत अच्छा कर जाएगा स्क्रीन पे दिखेगा और बाद में वो सच साबित हुई हो? कितने, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम. सो फ्रॉम जासी की रानी, आई वाज इट वाज अ डिबेट दैट हाउ कैन यू टेक अ डार्क गर्ल एंड हाउ यू थिंक दैट शी कैन बी जासी की रानी एंड यू नो व्हाट हैपेंड, इट वाज वंडर्स. देन विशाल जेटवा जो आज एन वेरी गुड एक्टर, आई वाज यू नो क्वेश्चन्ड बिकॉज he was not to be the so called Akbar, but I fought for him and I was successful again. And yes, काफी time ऐसा हुआ है, but touch wood आज तक ऐसा कभी मेरा हुआ नहीं कि मैंने किसी को recommend किया और वो मैं you know it was a bad phase for me or a bad option for me. In fact, it always turned the better for all of us. वो इसलिए कि आप 24 घंटे सिर्फ casting 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 के बारे में सोचते रहते. तो इतना याद है आपको कि कितने प्रोजेक्ट आप अभी तक कर चुके हैं? That's a big question now. So, 1000 ads, serials, films, web, छोटे मोटे करके more than 1000. I'm talking in the era of like 28 to 30 years now. Mm-hmm. So 1000 हुआ ही होगा आराम से. 1000. Okay, push. Yeah. 1000. ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, 1000 प्रोजेक्ट्स में कास्टिंग करना. बिकॉज़ सी अभी आप कितने भी आप सीरियल्स देखो, 30 इयर्स राउंड द प्रोजेक्ट एंड नाउ एपिसोडिक्स होते हैं. इतने सारे एपिसोडिक्स कर चुकी हूँ मैं, इतने सारे एपिसोडिक्स. शिरकोई है, देन देयर वाज अदालत व्हिच एंड देन सावधान इंडियाज. आई शुड डू द होल सावधान इंडियाज एट वन पार्ट ऑफ टाइम. देन क्राइम अलर्ट शोज एंड अ लॉट ऑफ एपिसोडिक्स. एवरी स्टोरी इज for us a new project. Because it's not like ki you know ek hi story. So wo sab pakad ke sab ad films, short films, serials, web series, web shows pakad ke and daily soaps, sab mythological, historical and normal shows pakad ke 1000 must have been the minimum I think. To dono hi tarah ke artists aate hain aapke paas, so dono ki umeed rehti hain, to tackle kaise karte hain dono ko? Actually that's a very you know क्वेश्चन टू द मार्क. बिकॉज एवरीबडी जो भी यहाँ पे आता है सोचता है कि हम लोग वी हैव टू डू द लीड शाहरुख खान. मतलब रियली अप्रिशिएट इट बिकॉज आई टोटली बिलीव कि यू शुड हैव दैट एक यू नो जब तक वो रहेगा आप में इट्स ईजियर फॉर यू टू यू नो कम टू अ पोस्ट और अ प्लेस वे यू वॉन्ट टू बी. पर प्रॉब्लम ऐसे कि लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यू नो इफ यू कान बी अ लीड यू कान बी अ लीड. And there's no harm because a lead अकेले एक show नहीं बनाता है. It's all the cast, the supporting cast, the characters and everybody who makes a show successful. So it's not that you just need to do a lead. It's okay. But yes, सबसे बड़ा problem यही होता है कि सब लोग को यही लगता है कि मैं lead बनना चाहता हूँ, मुझे lead क्यों नहीं मिल रहा है. पर ये हम कभी किसी को फ्लैटली बोलते नहीं. पर मैं अभी आजकल स्टार्ट कर चुकी हूँ जहाँ पे बोलने लगी हूँ कि लिसन
वी शुड जस्ट गो फॉर द पैरालीड और द कैरेक्टर इन अ वेरी पोलाइट वे सो दैट यू नो उनको हर्ट ना फील हो बट दे ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट समवेयर दैट आप लीड नहीं हो सकते हो तो आप दूसरे कैरेक्टर्स आप ट्राई करना चाहिए एंड देयर इज नथिंग नोन एज बीइंग डिसअपॉइंटेड इन लाइफ ये जो लीड है ये माइंड में इतना बैठ चुका है कि कई बार मैंने तो देखा आपने भी शायद एक्सपीरियंस लिया हो कि कोई नए लड़के या लड़कियाँ आते हैं तो ये बोलते हैं मैंने उस प्रोजेक्ट में फोर्थ मेन लीड किया था फिफ्थ मेन लीड किया था तो ऐसा कभी वाक्य हुआ आपके साथ एग्जैक्टली जो मैं बोल रही हूँ कि लीड एक ही होता है जो भी दूसरा हो आप सपोर्टिंग कास्ट हो ये तो कैरेक्टर्स हो वही मैं समझाने की कोशिश करती हूँ एक्टर्स को पहली बात एंड द बेस्ट पार्ट इज यू नो मैं एक चीज़ सब एक्टर्स को बताना चाहती हूँ कि Nobody just came like that. For example, Nawazuddin, he just did one scene, you know, in a film. He proved his worth. He's a fab actor. So, wo kabhi zindagi mein nahi socha hoga ki main lead, main, you know, I can reach that level. But today, achche kaise log are, you know, down over it and he's crossed and he's been a hero. Rajkumar Rao, I mean, he's done so many things, but today, he's a lead. See, they've struggled to be there. The idea is not just struggle. It is आपको जो मिलता है आप उसमें प्रूव करो अपने आप को पहला भले आप एक भाई का रोल प्ले करो भले आप एक यू नो आप छोटा भी रोल प्ले करो उसमें ऐसे चाह जाओ कि आगे आपको जो भी कास्ट करे बोले कि नहीं दिस गाय इज वर्थ द लीड एंड इट वर्क्स बिलीव मी इट वर्क्स बिकॉज वी हैव कास्ट अ लॉट ऑफ पीपल जो एक सीन दो सीन कर चुके उनका एक वो परफॉर्मेंस के बाद हम लोगों ने देखा कि ए एक्टर लीड का लायक है सो Do what you're doing, your best. Okay. And then, जब normally कोई actor आपके पास आता है तो step by step कैसा procedure होता है आपके यहाँ register होने का फिर casting तक का जो पूरा का पूरा numbers में अगर वो आप step बताएंगे तो अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए. Okay. So basically, I'll explain you how we work. I work for the production houses and the channels. I do a lot of shows. I do a lot of shows for the clients directly. So basically, हम लोग कमीशन्स नहीं लेते सो बेसिक मेरा पास मैं जब आप रजिस्टर मेरे कंपनी में करते हो तो आप मेरे कंपनी के लिए करते नहीं हो यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन अ वेब पेज नाउ व्हेन आई एम नॉट टेकिंग कमीशन्स आई एम डूइंग ऑल माय वर्क ऑफ माय स्टाफ एंड ऑल माय कंपनी रन्स विद माय सैलरीज सो इट इज़ ऑब्वियसली बनता है कि एक एक्टर जब उनको अपने आप को प्रमोट करना है तो वो एक 1000 का रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके वो अपना वेब पेज लेकर जाए इन 1000 यू गेट अ वेब पेज वो वेब पेज पे आप यू कैन यू हैव योर ओन पासवर्ड यू हैव योर ओन यू नो यू कैन यूज़ द पासवर्ड फॉर योर वेब पेज फॉर योर फोटोग्राफ्स योर ऑडिशंस अपलोड करो हम लोग एक्सेस कर पाते चैनल्स एक्सेस कर पाते प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स क्रिएटिव्स एक्सेस कर पाते इट्स पेड बिकॉज नथिंग कम्स फ्री एंड आई थिंक 1000 इज प्रीटी फेयर आप कितना भी काम करो वो साल में आपको वी डोंट हैव टू पे द मनी अगेन आफ्टर वन ईयर जब आपके पास आपने काम किया है हमारे साथ देन वील आस्क यू टू कम एंड पे यू पे फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वी हैव वन मोर फैसिलिटी कि सपोजिंग को देना चाहे आपने काम नहीं किया हमारे साथ फॉर वॉट एवर रीजन्स आप अवेलेबल नहीं थे या तो हम लोग आपको कास्ट नहीं कर पाए या तो आपको हमारे जो भी रोल्स हमने ऑफर किया आपको पसंद नहीं आया your whatever reasons so we extend your registration to the next year or to whatever year you don't get so aapka second year bhi aapko kaam nahi mila to third year bhi aapka registration in force rehta hai your 1000 is in force for the time till you get work okay it's okay. like quite clear I mean then after that you can come and you can we'll ask you to re-register hua hai kafi logo ne 4 saal kaam nahi kiya hamare sath पर उनका हम लोगों ने आई मीन वी हैव कंटिन्यूड द रजिस्ट्रेशन ऑन अवर बिहाफ द कंपनी डज दैट एंड आफ्टर द एक्टर गेट्स वर्क वी आज द एक्टर टू कम एंड रीडू द रजिस्ट्रेशन तो यहीं से एक बात और भी क्लियर हो जाती है कि जहां मार्केट में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप इतना पैसा दे दीजिए तो आपको काम मिल जाएगा गारंटेड वर्क मिल जाएगा वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो जेन्युइनली आपसे एक रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहे हैं लेकिन गारंटी नहीं दे रहे हैं बल्कि ये दे रहे हैं श्योरिटी कि आप वहाँ पर वेब पेज पर अवेलेबल रहोगे और रिन्यू हो जाएगा सी देर इज नथिंग नोन एज गारंटी गारंटी किसी चीज का नहीं है अब देर इज नथिंग दैट इज ऑफ गारंटी इट्स ऑल अबाउट द टाइम अभी आपका अभी कोई कैरेक्टर आया आपके लिए वर्थ सो देन यू आर देर इट्स गेम एंड इफ सपोजिंग नहीं है कैरेक्टर आपके लिए तो आपको नहीं मिलता है सो एंड ए किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है इट्स अबाउट द प्रोजेक्ट दैट कम्स इन
कि सपोजिंग वी आर लुकिंग फॉर सम सरदार्स और वी आर लुकिंग फॉर सम नॉर्थ ईस्ट और वी आर लुकिंग फॉर सम डिफरेंट साउथ इंडियंस, तो वो टाइप का कैरेक्टर्स जब हमको मिलता है तो वो भी हमें कम मिलता है, हम लोग हर जगह ढूंढने लगते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट प्रोजेक्ट वेयर वी नीड पर्टिकुलर एक्टर्स. जब भी एक्टिंग प्रोफेशन के बारे में बात होती है तो पैशन के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है? इंडस्ट्री इज फुल ऑफ पेशेंस. एक्टर्स हैव टू हैव द अटमोस्ट पेशेंस. उनको उनका जिंदगी कब कहाँ क्या मोड़ पे जाएगा दे ओनली नो. एंड यू आई बिलीव दैट यू नीड टू कीप वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद ऑल द पीपल, द डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर हो, क्रिएटिव हो, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, कीप गुड रिलेशन. आई एम नॉट टेलिंग आप किसी का मतलब लेट एनीबडी टेक एन एडवांटेज ऑफ यू, वो नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि कीप रिलेशंस गुड. डोंट हैव टू यू नो आजकल सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी बहुत हो गया है, सो डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर. थैंक यू ज़ैनत, थैंक यू वेरी मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू ऑल. थैंक यू जॉइन फिल्म्स. तो मेरे साथ ही ज़ैनत एलिस प्रजापति, ज़ैनत कास्टिंग हब से बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई. हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ. पहली बात तो ये कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना ही चाहिए, क्योंकि पेशेंस होगा तभी पैशन वर्क कर पाएगा, अदरवाइज वो कहीं वर्क नहीं कर पाएगा. उम्मीदें अच्छी हैं, मेन लीड आपका मेन गोल हो सकता है, लेकिन उसके रास्ते में जब छोटे छोटे रोल मिल रहे हैं तो ये तैयारी है बड़े रोल की. आपका काम है एज एन एक्टर उसको प्रूव करते हुए चले जाना, ताकि एक दिन जब बड़ा रोल मिले तो आप उसको संभाल सकें, जैसे कि उन्होंने नवाज का एक एग्जाम्पल दिया. दूसरी बात ये कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप तैयार होंगे, भले आप थिएटर से हो, एनएसडी से हो, या कहीं से ट्रेनिंग लो, तैयारी होना बहुत ज़रूरी हो, कि तैयारी अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देता है आपको, और वही आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आगे लेके जाता है. इस इंडस्ट्री में काम बहुत है, सबके लिए बहुत है, बस आप अच्छा रैपो रिलेशन बना के रखिए और काम करते जाइए. उम्मीद है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा आपने. जो सीखा है मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए. अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप. आई कैन